नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2020 में व्हाट्सएप में कौन कौन से न्यू फीचर ऐड करे गए हैं। तो जो भी न्यू फीचर्स ऐड करे गए हैं वो सब बताऊँगा। कोई कोई बहुत यूजफुल है, कोई कोई नहीं है, जो जैसा है जैसे फीचर हैं मैं आपको बताऊँगा। बस ये कहना चाहूँगा, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर है व्हाट्सएप पेमेंट, जो बहुत ही आसान तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं, पैसा पे करके देख सकते हैं। अभी आपको मिला है कि नहीं मिला ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसमें कैसे यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जहाँ पे 3 डॉट देते हैं, जहाँ से हम फोटो मीडिया शेयर करते हैं, वहीं पर आपको पेमेंट का न्यू आइकन आता है, वहाँ क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला फीचर जैसे है म्यूट ऑलवेज का। पहले जैसे कोई ग्रुप है, कोई हमारा फैमिली ग्रुप है, उसमें गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं, गुड इवनिंग, गुड नाइट यही आते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हम पहले 1 ईयर के लिए म्यूट करते थे, 1 वीक के लिए, अब हम उसे ऑलवेज म्यूट कर सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम के लिए उसे अनम्यूट नहीं करना है, हमें म्यूट करके रखना है। तो एक ये फीचर है। तो जैसे कि अगली बता रहा हूँ मैं आपको क्या है आगे का। तो जैसे कि हमारे पहले चैट का थीम होता था, चेंज करते थे, तो पहले हम एक ही थीम चेंज करते थे, वो हर जगह से चेंज करता था व्हाट्सएप चैट के अंदर। बट आप अपनी गर्लफ्रेंड का अलग कर सकते हैं, फ्रेंड का अलग कर सकते हैं, फैमिली का अलग कर सकते हैं, मतलब आप जैसे चैट में जाएंगे वहाँ पे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपना चैट जिसके साथ जैसा चैट लगाना चाहते हैं वैसे आप उसे चेंज कर सकते हैं। और ये जो तीसरा फीचर लॉन्च हुआ ना, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा क्या है, जो आप सभी को पता होगा डिसअपेयरिंग मैसेज का। क्योंकि अगर यार देखो, स्क्रीनशॉट तो हमारे ही लेगा, अगर इसकी जगह 7 मिनट या 3 सेकंड या 4 सेकंड का होगा तो शायद कुछ हो सकता था। जैसे कि कोई प्राइवेट मैसेज है जिसको आपको किसी को नहीं दिखाना, सिर्फ आप ही देख सकते हैं, जिसको आपने भेजा वही देख सकते हैं। तो कोई नहीं, फिर भी अगर आपका डेटा वगैरह स्टोरेज भी फुल होता है मीडिया वगैरह की वजह से, तो आप उसे वहाँ पे अपना डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन करके 7 डेज के अंदर आपका चैट क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मैनुअली। ये जो है ये है एडवांस सर्च का। एडवांस सर्च, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा स्टोरेज फुल हो गया या ज़्यादा भर गया, तो हम देखना चाहते हैं किस ग्रुप किस चैट से ज़्यादा आ रहा है ना। तो ये कैसे चेक करेंगे, आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, स्टोरेज में जाना है, मीडिया फोटोज में जाना है, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स दिखाई देगी। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो आपको दिखाना है, और वहाँ से आप अपना मैनुअली क्लियर कर सकते हैं और अपने स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। और सबसे अच्छी और घर बैठे रहने से एक चीज़ बढ़ गई है, वो भी वीडियो कॉलिंग का फीचर। जैसे पहले हम 4 बंदे को ऐड कर सकते थे वीडियो कॉल पे, अब इसे 8 बंदे के साथ हम ऐड कर सकते हैं, मतलब एक पूरा फैमिली, मिडिल फैमिली, नो छोटी फैमिली आ सकती है। और मैंने सुना है कि जो बीटा वर्जन है उसमें 50 लोग को, मतलब 10 फैमिली आ सकती है। तो जब भी आएगा कमिंग सून, बहुत जल्द आ जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये वाला फीचर एनेबल हो गया और आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को शायद ये सेटिंग पता होगी डार्क मोड का, जो पहले 6 महीने पहले आ चुका था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं सोचा बता दूं, वैसे आप लोगों को तो पता हो गए। तो एक हमारा ये फीचर है स्टिकर का। पहले हमारे पास एनिमेटेड स्टिकर नहीं आते थे, नॉर्मली स्टिकर होते थे, बट अब जो है एनिमेटेड स्टिकर हो गए हैं। वो देखा है आप लोगों ने, बाबू सोने वाला, फुटबॉल जैसा प्यारा सा। खैर छोड़ो इस बात को, उसमें ना जैसे आपको मैं बताता था कहाँ से लाना है। आप सेटिंग पे, सॉरी टाइपिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग बोल दिया था मैंने, तो उसमें GIF का ऑप्शन आता है, तो उस GIF पे क्लिक करेंगे तो आपको किस, लव, हग सब मिल जाता है। और देख लेना और क्या क्या होता है, जिसको आपका ज़रूरत हो, नीड हो जिस चीज़ की, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, और आपको अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको भी भेजना है भेज सकते हो। तो दोस्तों, सबसे लास्ट का फीचर बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं इस फीचर के लिए एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले नहीं, सबसे इसी में ये है ना, आप इसे मल्टी डिवाइस अपने व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हो। जैसे अपना इंस्टा, फेसबुक, अगर हम लॉगिन पासवर्ड से किसी और के फ़ोन में, जैसे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने फैमिली मेम्बर किसी को भी देना चाहते हैं, तो हम उसे इंस्टा और फेसबुक को एक्सेस कर सकता है वो, बट व्हाट्सएप को नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था कुछ ही दिन में। अब जैसा ही प्ले स्टोर में हमारा अपडेट आएगा, या आपके एप्पल का फ़ोन iOS यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐप स्टोर में जैसे ही अपडेट आएगा उसमें मल्टी डिवाइस सपोर्ट आ जाएगा। मैं सबसे पहले उसी का करूँगा, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानो,
ठीक है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें जो वीडियो कॉलिंग होगा। मान के चलो आपका अकाउंट या किसी दूसरे का अकाउंट दो फोन में लॉगिन हो रखा है व्हाट्सएप का, तो वीडियो कॉल दोनों फोन से तो नहीं होगी ना, एक ही फोन से होगी, तो उसी का थोड़ा वो हो रहा है जो आपको बहुत ही जल्दी समाधान करके आपको दे दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट बन होता हूँ और आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाके देता रहूँगा। और दूसरी चीज़ अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपको हमारे इंट्रो में दिख ही गया होगा।